नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज। अभी हम लोग बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय पे आए हुए हैं, जहां हम लोग को प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलना है। मिलना क्यों है, मामला है डामू पंचायत के 13 नंबर वार्ड का। 13 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य के द्वारा खुद वीडियो में देखा गया है कि वो कह रहे हैं कैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा आवास योजना में अवैध उगाही की जाती है। और कस्टमर कहे या उपभोक्ता कहे या फिर ग्रामीण कहे या लाभुक कहे, उनसे 1,000 रुपया ले लिया गया है आवास योजना के नाम पे। लेकिन 10 दिन होने को है, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन वार्ड सदस्य के द्वारा वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि प्रखंड के कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक उसमें कमीशन जाता है। आखिर जब प्रखंड के पदाधिकारी को ही कमीशन जाता है, पंचायत के मुखिया को कमीशन जाता है, वार्ड सदस्य खुद से वसूली करते हैं, तो पैसा जो ये वसूली होता है, इसमें कार्रवाई कौन करेगा। हमने कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर जाता रहा। एक बार मेरा संपर्क उनसे हुआ भी था, तो उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। और एक खबर मैंने ये भी चलाया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बासोपट्टी मंजू कुमारी ने ये बताया कि इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन आज 10 दिन हो गए, इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पीछे प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, हम वहाँ भी जाएंगे और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, मंजू कुमारी कंकन, प्रखंड विकास पदाधिकारी बासोपट्टी, लेकिन ये गेट बंद है। आखिर हम गेट खुला हुआ है, हम देखेंगे अंदर कोई है कि नहीं है। देखिए अंदर जो है दिख सकता है कि कोई भी बैठे हुए नहीं है। क्या किन से बात किया जाएगा, देखिए कैमरा में देख सकते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। जब प्रखंड विकास पदाधिकारी ही नहीं रहेंगे, फोन से उनका बात नहीं हो पाएगा, तो आखिर मामले में कार्रवाई कैसे होगी। अंदर अंधेरा है, हम बाहर से ही बात करते हैं, क्योंकि जब प्रखंड विकास पदाधिकारी का फोन नहीं लगेगा, उनके जो कार्यालय है उनका, वहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। और जब उनका भी नाम इस मामले में आ रहा है, तो आखिर वो फोन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इस मामले में मिले हुए हैं। आखिर नहीं मिले हुए तो आज 10 दिन में कार्रवाई हो गया रहता। जब देश के या बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मामले का निष्पादन 24 घंटा के अंदर होगा, फिर भी इस वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें 10 दिन के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सभी मिले हुए हैं। हम इस मामले को लेकर, आज तो होलिका दहन है, कल होली है, कल होली की छुट्टी रहेगी, हम परसों जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी और डीएम मधुबनी से मुलाकात करेंगे। यानी कि सोमवार तक हम सभी पदाधिकारी से, अगले जो सोमवार आने वाले हैं, मधुबनी जिला के सभी पदाधिकारी से मुलाकात कर इस मामले में जांच के आवेदन देंगे। अपने तरफ से जो पत्रकारिता का वसूल है, उस वसूल से उनसे मिलेंगे। आखिर देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। तब तक के लिए बने रहे आरजी बिहार न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।